नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपके SSC सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे। आप लोग साथ के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास के हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लगाने की कोशिश कीजिएगा। कंप्यूटर पर सूचनाओं का संग्रहण निम्न में से किस रूप में होता है? कंप्यूटर पर सूचनाओं का संग्रहण निम्न में से किस रूप में होता है? ए डिजिटल डाटा, बी मोडेम डाटा, सी एनालॉग डाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, डिजिटल डाटा, ठीक है। राइट आंसर ए। और मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन अक्षरों, आकृतियों और तस्वीर की इमेज का अनुवाद डिजिटल रूप में करता है, ठीक है। निम्न में से कौन अक्षरों, आकृतियों और तस्वीर की इमेज का अनुवाद डिजिटल रूप में करता है? ए मोडेम, बी स्कैनर, सी माउस या डी कीबोर्ड। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, स्कैनर, ठीक है। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए निम्न में से किसको प्रयुक्त किया जाता है? ए रिकॉर्ड, बी डाटा, सी एड्रेस या डी प्रोग्राम। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, एड्रेस, ठीक है। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, कीबोर्ड की कौन सी कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट लगाने की कोशिश कीजिएगा। ए फंक्शन कीज, बी पेजअप, सी न्यूमेरिक की, डी ऑल्ट कीज। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए फंक्शन कीज, ठीक है। कीबोर्ड की कौन सी कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फंक्शन की को, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड डैश कहलाते हैं? ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी रैम या डी सर्किट बोर्ड। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, सर्किट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए डाटा को कहाँ स्टोर करना चाहिए? ए CD, बी सेकेंडरी स्टोरेज, सी रैम या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। ISP का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप विस्तार क्या है? ए इंडियन सोशल प्लानिंग, बी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी इंटेल सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। रिमूवेबल मीडिया में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? ए CD-ROM, डिस्केट, सी DVDs या डी सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक स्प्रेडशीट में कौन सा एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नीचे चार ऑप्शन है, ए सेल, बी फील्ड, सी वैल्यू या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस स्टोरेज मीडिया में रीड और राइट की क्षमताएँ हैं? ए फ्लैश मेमोरी कार्ड के, बी हार्ड डिस्क ड्राइव के, सी फ्लॉपी डिस्क के या डी सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो पैसों को ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, डैश प्रोग्राम कहलाता है। ए अबेकस, बी कैलकुलेटर, सी स्प्रेडशीट या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, स्प्रेडशीट। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, कंप्यूटर के बंद हो जाने पर निम्न में से कहाँ से कंटेंट्स निकाल सकते हैं। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज या डी मेमोरी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी कंटेंट्स कहाँ से निकाल सकते हैं, मेमोरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए वीडियो एडिटिंग, बी पेंटिंग, सी कंप्यूटर डिजाइन, डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। यदि आप वर्ड में वर्ड डब्ल्यू ओ आर एल डी के बजाय डब्ल्यू आर एल डी टाइप करोगे तो निम्न में से कौन इसे सही करेगा। ए ऑटो एडिट, बी ऑटो ऑप्शन, सी ऑटो करेक्ट, डी ऑटो की। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, ऑटो करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटती है। ए फॉर्मेटिंग, बी एडिटिंग, सी क्रेशिंग, डी एलोटिंग। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, फॉर्मेटिंग। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटती है, फॉर्मेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, एल एस आई की फुल फॉर्म क्या है। तो मेरे प्यारे मित्रों, नीचे चार ऑप्शन है, आपको एल एस आई की फुल फॉर्म फाइंड करना है। ए ऑप्शन लार्ज स्केल इंटरनेट, बी लो स्केल इंटीग्रेशन, सी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या डी लाइट स्केल इंटीग्रेशन। तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एल एस आई की फुल फॉर्म क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, निम्न में से किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करना डैश कहलाता है। ए बैच प्रोसेसिंग, बी रियल टाइम सिस्टम, सी ऑनलाइन सिस्टम या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ईमेल का प्रयोग करने के लिए क्या होना आवश्यक है। ए मॉडेम, बी इंटरनेट, सी अकाउंट या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, अकाउंट। ठीक है, ईमेल का प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक है, अकाउंट होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। ए स्लॉट, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी कंप्यूटर के पीछे, डी कहीं पे भी नहीं। अरे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, स्लॉट। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड कहां पर इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो प्रोसेसरों कौन इमेज को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। ए वीजीए, बी मेमोरी, सी दोनों या डी वीटीआई। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों तरफ पर अलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को डैश कहते हैं। ए जस्टिफाई, बी लेफ्ट, सी सेंटर या डी बोल्ड। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, जस्टिफाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, एक्सेल में प्री प्रोग्राम फॉर्मूले का एक अन्य नाम है। ए ग्राफ, बी ग्राफ, सी फंक्शन या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, फंक्शन। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किस बार पर ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन कहां पर स्थित हैं। निम्न में से किस बार पर ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन उपस्थित हैं। ए फॉर्मेटिंग टूल बार, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी
टाइटल बार, डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को निम्न में से किस एड्रेस से जाना जाता है? ए सेल का कॉलम लेबल, बी सेल का रो लेबल, सी सेल का रो और कॉलम लेबल, या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, सेल का रो और कॉलम लेबल। ठीक है, सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो मेरे प्यारे मित्रों, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट लगाने कोशिश कीजिएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर सी पर टिक किया, बिल्कुल राइट आंसर है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट लगाने कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रिफ्रेश पेज के साथ उपस्थित होता है? ए टेबल, बी क्लिपबोर्ड, सी टेबल ऑफ कंटेंट, डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, सी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है? ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, डी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है बी के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, बी बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। टीओसी का उपयोग करके निम्न में से क्या बना सकते हैं? ए हेडिंग स्टाइल्स, बी कस्टम स्टाइल्स, सी आउटलाइन लेवल्स, या डी सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है डी के साथ, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा बटन क्या काम करता है? डैश विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। ए सुपर टूल टिप, बी सब टूल टिप, सी कीबोर्ड, या डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है ए के साथ, सुपर टूल टिप। ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम रहेगा। एमएस पावर पॉइंट में Shift+9 निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए ग्रिड दिखाने के लिए, बी ग्रिड छिपाने के लिए, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाने वाला है सी के साथ, दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब आप लोगों ने दिए कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमें जरूर बताएंगे। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।